तो चलिए आज बनाते हैं वाल पापड़ी अथवा वालोर अथवा बटर बीन्स। तरीका बहुत आसान है। अच्छी तरह से धो करके वाल पापड़ी को लगभग 8 घंटे के लिए भिगोकर रख दें। उसके बाद उसे बॉईल करेंगे नमक डाल करके। आप चाहें तो उसमें इसके अलावा भी तेज पत्ता अथवा कुछ अन्य खड़े मसाले भी डालकर बॉईल कर सकते हैं। अब करते हैं पालक की तैयारी। पानी को अच्छे से बॉईल होने दें। जैसे ही पानी बढ़िया बॉईल होने लग जाए उसमें पालक डाल देंगे। कोशिश करें कि ये पालक ताजी हो, अच्छी तरह से धुली हुई हो। करीब 2 मिनट इसे हम उबलते हुए पानी में पड़ा रहने देंगे। हम सभी जानते हैं कि पालक में खूब अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। आयुर्वेद एक छोटी सी बात और बताता है कि हमें लगभग सभी सब्जियां उबलते हुए पानी में इस तरह से ब्लांश करके खानी चाहिए। इससे वात दोष शांत होता है। अब इस पालक को खूब महीन चॉप कर लेंगे। कढ़ाई में मैं घी डाल रही हूँ, आप कोई प्रकार का तेल भी डाल सकते हैं। जीरा डाला है मैंने, हींग डाली है, धनिया डाली है और थोड़ा सा पानी डाल के मैं इस मसाले को भून रही हूँ। तो थोड़ी हल्दी डाली है। पानी डाल करके भूनने से मसाला जलता नहीं और इसमें मैंने सिंपल टमाटर का पेस्ट डाला है। इसमें मैंने प्याज अथवा लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है। गर्मियों का मौसम है, प्याज लहसुन को थोड़ा अगर कम खाते हैं तो बढ़िया रहता है। इसके अलावा वाल की ये सब्जी बिना प्याज और लहसुन के बहुत ही टेस्टी लगती है। बस धीरे धीरे आप इसे अच्छे से चलाते हुए, मैंने इसमें थोड़ा सा मैगी मसाला डाला है स्वाद के लिए और अब मैंने इसमें पालक डाल दी है। पालक डालने के बाद इसमें उबले हुए वाल वालोर अथवा बटर बीन्स डाल दिए। अब बस आप इसे करीब 10 मिनट तक धीमी आंच अथवा तेज आंच, जैसे भी आप चाहें उस तरह से इसे पकने दें। करीब 10 मिनट का समय लगा है। इस समय में मसाले अच्छे से जज्ब हो जाते हैं और थोड़ा जो घी था वो ऊपर की तरफ आ जाता है। घी अथवा तेल का ऊपर की तरफ आ जाना इस बात का प्रतीक है कि मसाले अच्छी तरह से पक गए हैं और सब्जी भी अच्छी तरह से पक गई है। आखिरी में सारे स्वादों को बैलेंस करने के लिए मैंने थोड़ी सी खांड डाल दी है। आपकी वाल और पालक तैयार है। खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट थी। आप भी बनाइए, खिलाइए और हमें बताइए कैसी रही ये सब्जी।